चलिए, फॉर्मेट के लिहाज से हमारा ये लास्ट लेक्चर है। फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स, सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे थे। इसके फॉर्मेट का आज हमारा 24वां लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। आज हमारा फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 100%। कल 23rd लेक्चर था फॉर्मेट का, जहाँ तक हम नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न फाइंड आउट कर चुके हैं। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है जो टैक्स पेयर ने अदा करनी होती है। इसमें से वो सारे टैक्सेस माइनस कर देते हैं हम जो ऑलरेडी वो ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुका होता है या उसके काट लिए गए होते हैं। तो नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न फाइंड आउट करने के बाद सेपरेटली आपने उस कॉलम को ख़त्म कर दिया, उसका टोटल ख़त्म कर दिया। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न फाइंड आउट करने के बाद हम सेपरेटली अब ये वाला पार्ट जो है इसमें कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्स अंडर FTR, फाइनल टैक्स रिजीम, टैक्स की एंड पर होने वाली कैलकुलेशंस। ये वो कौन सी चीज़ें हैं जो रह गई थी और हमने कहा थी हमने FTR में ट्रीट करेंगे। तो ध्यान से समझ लें, अब तक हमने 5 सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने इन पांचों इनकम्स का टोटल किया, टोटल इनकम आ गई। उनमें से 5 डिडक्शन, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्कैचुअल डू, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन फी, ये 5 डिडक्शंस माइनस की तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हमने फिर शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को ऐड किया तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ गई। फिर वहाँ से स्टेप नंबर 1 शुरू हो गया, हमने रेट पर्पज़ वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया। फिर दूसरे स्टेप में हमने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया। तीसरे स्टेप में हमने सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन को रिबेट दे दी। फोर्थ स्टेप में हमने टीचर्स को रिबेट दे दी। फिफ्थ स्टेप में हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दिया। सिक्स स्टेप में हमने एवरेज रिलीफ दे दी। सेवन स्टेप में हमने ऐड किया टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक कल के लेक्चर में, और एट स्टेप में हमने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को माइनस कर दिया। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपके सामने इसकी समरी बता दी। इस पूरे फॉर्मेट में हमने 5 सोर्स ऑफ इनकम लिखे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन 5 सोर्सेज के अलावा अगर कोई और इनकम होगी जो कि टैक्स के ऑर्डिनेंस में डिफाइन की गई है कि ये वो लिस्ट ऑफ इनकम है जो ना इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है, ना प्रॉपर्टी में आती है, ना बिजनेस में आती है, ना कैपिटल गेन में, ना अदर सोर्सेज में, वो इनकम जो इन 5 सोर्सेज में नहीं आती उस इनकम को कहते हैं ये फाइनल टैक्स रिजीम। वो इनकम FTR में आती है, उस पर टैक्स FTR में जाकर लगाया जाता है। वो कौन कौन सी इनकम है जो FTR में कैलकुलेट जिनका टैक्स किया जाता है? सबसे पहले है जी बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। इस पर हमने साथ साथ ये इनकम भी पढ़नी है और इनका टैक्स भी कैलकुलेट करना है। तो 5% टैक्स है ये, आपको याद रखने, टैक्स ऑन बोनस शेयर्स रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी 5% टैक्स है। अगर किसी को बोनस शेयर मिलते हैं लिस्टेड कंपनी से, उस बोनस शेयर की अमाउंट पर 5% टैक्स होगा। जितने भी अमाउंट के बोनस शेयर मिलें उन पर 5% टैक्स है। ये ना हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा, ये बेनिफिट इनकम है ना, फ़ायदा हुआ है ना, हमने इसे इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा है, ना प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्सेज। ये कॉन्सेप्ट है FTR का कि जो 5 सोर्स में नहीं आता वो FTR में आ जाता है। अब ये साथ साथ याद रखना आपने, 7.5% टैक्स है जी ऑन डिविडेंड। अगर किसी को डिविडेंड मिलता है कहाँ से, डिविडेंड बाय वापडा, किसी ने वापडा के शेयर खरीदे हुए हैं या पाकिस्तान कोल एंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट,
कोल एंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसी कोई कंपनी है जो पाकिस्तान में कोयले से पावर जनरेट कर रही है, ऐसी पाकिस्तान में वापडा है, वापडा के इदारे के किसी ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहाँ से उसको जो डिविडेंड मिलेगा उस पर 7.5% टैक्स होगा, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी उसमें वापडा से, और पाकिस्तान में जितने भी कोल और पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना वहाँ से उन कंपनियों के अगर आपने शेयर खरीदे हुए हैं और आपको उनसे डिविडेंड मिलता है तो उस पर 7.5% टैक्स होगा। इसके अलावा अगर किसी के पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, किसी भी कंपनी के शेयर हैं, तो 15% टैक्स होगा ऑन डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज। ये ऊपर वाले वापडा और पावर और जनरेशन प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर आपके पास किसी और कंपनी के शेयर्स हैं तो उन कंपनी के शेयर्स पर जो डिविडेंड मिलता है, शेयर्स को बेचकर गेन की बात नहीं हो रही, शेयर्स को बेचकर जो गेन होता है वो तो कैपिटल गेन में लिखा जाता है, ये है शेयर्स को होल्ड करके जो सालाना मुनाफा मिलता है आपको उसकी बात हो रही है, उस पर उस डिविडेंड पर 15% टैक्स एट सोर्स कट भी जाएगा। आपको जब ये इनकम मिलती है ना तो टैक्स काट कर मिलती है, लेकिन ये वहाँ पर क्योंकि नहीं सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज में नहीं आते, इस वजह से इन्हें वहाँ नहीं लिखना, इनको अलग से रिपोर्ट करना है कि भाई ये वो हमारे टैक्सेस हैं FTR के जो हमने पे कर दिए हैं या पे करने हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, बैंक से कोई सिक्योरिटी ली हुई है, NIT यूनिट्स लिए हुए हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट में पैसा जमा करवाया हुआ है, तो जो सालाना मुनाफा मिलेगा उस पर 10% टैक्स होगा, 10% टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, चाहे वो PLS अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, प्रॉफिट ऑन डेट हो, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, या फेडरल गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटीज में से प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज, इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हों, किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट्स हों जहां आपने पैसा जमा करवाया हो और वहां से आपको सालाना मुनाफा मिले तो उस पर 10% टैक्स होगा। कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो जहां पर आपने पैसा जमा करवाया हो, वहां से आपको मुनाफा मिलता है तो उस पर 10% टैक्स होगा। उसके बाद बेटा 15% टैक्स है जी ऑन प्राइस बॉन्ड एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, ऑन प्राइस बॉन्ड्स, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड्स, अगर किसी का प्राइस बॉन्ड्स का इनाम निकलता है एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, ये जो पजल्स रसालों में, मैगजीन्स में, अखबारात में आते हैं ना कंपनियों की तरफ से कि भाई आप इसको सॉल्व करें, इस रिडल को सॉल्व करें, इस पज़ल को सॉल्व करें, आपको ये इनाम मिलेगा, तो जितना इनाम मिलेगा उस पर 15% टैक्स होगा। उसके बाद आप कोई लॉटरी विन करते हैं, 20% टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम
किसी कुरानदाजी, किसी रेफल और लॉटरी, किसी क्विज से, किसी सेल प्रमोशन ऑफ कंपनी से, कोई सेल्स प्रमोशन ऑफ कंपनी है वहाँ से आप कोई इनाम जीते हैं। जैसे कंपनियों की डिफरेंट सेल प्रमोशन आती हैं, क्या भाई इस नंबर को मैसेज करें, उस पर कोड लिखा होगा उसको स्क्रैच करें, उसको सेंड करें, कुरानदाजी होगी, आपको इनाम मिलेगा। खाली रैपर भेजें, इस एड्रेस पर खाली रैपर भेजें तो आपको इनाम मिले। कोई सेल प्रमोशन हो कंपनी की, आपको सेल प्रमोशन के बदले में कोई भी इनाम मिलता है तो उस पर 20% टैक्स होगा। ऑन सेल प्रमोशन विनिंग फ्रॉम रेफरल लॉटरी, कोई भी किसी किस्म की कुरानदाजी हो। और लास्ट है बेटा इसमें 2.5% टैक्स ऑन फ्लाइंग अलाउंस एंड सबमरीन अलाउंस। जितने भी मुलाजमीन है ना, जो PIA किसी एयरलाइन में काम करते हैं, हुकूमती एयरलाइन में काम करते हैं, या पाकिस्तान एयर फोर्स के जो जवान हैं, इस तरह पाकिस्तान नेवी के जो जवान हैं, या हुकूमत के जो ऐसे इदारे जो समंदर में काम करते हैं, हवाओं और समंदर में काम करने वाले, फ्लाई करने वाले और सब मेराइन आप दोजों में बहरी जहाज़ों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं ना, उन्हें एक अलाउंस मिलता है स्पेशल, फ्लाइंग अलाउंस और सब मेराइन अलाउंस। नेवी में काम करने वाले, बहरी जहाज़ों में काम करने वाले मुलाजमीन को सब मेराइन अलाउंस मिलता है, और एयरप्लेन इंडस्ट्री, एयर फोर्स में काम करने वाले, पाकिस्तान PIA एयरलाइन में काम करने वालों को फ्लाइंग अलाउंस मिलता है। उस अलाउंस पर 2.5% टैक्स होता है, 2.5% टैक्स होता है। तो जितना भी अलाउंस, जितना भी टैक्स आपने ये कैलकुलेट करना है बेटा, इसे आपने जस्ट रिपोर्ट करना है कि भाई ये वो टैक्सेस हैं जो हमारे FTR के बनते हैं। अब मोस्टली क्या है, बल्कि आप समझ लें 100% ऐसा ही होता है कि जितने भी FTR के टैक्सेस होते हैं ना, ये आपके एडवांस में ही कट चुके होते हैं। जस्ट आपने टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी होती है कि भाई ये मेरी FTR की इनकम है। अब हर शख्स की FTR की इनकम नहीं होती, मतलब अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स ही नहीं खरीदे हुए, किसी ने बैंक में कोई डिपॉजिट ही नहीं करवाया हुआ, किसी को फ्लाइंग अलाउंस नहीं मिल रहा, किसी ने कोई प्राइज बॉन्ड नहीं विन किया, किसी ने रेफर लॉटरी से कोई चीज़ विन नहीं की, तो उसका FTR की इनकम नहीं होगी। तो FTR की इनकम होना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसकी होगी वो रिपोर्ट बना कर देगा भाई ये मेरी FTR की इनकम है। बेटा न्यूमेरिकल करते हुए जब पेपर में क्वेश्चन आएगा या बुक में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये वो फॉलोइंग आइटम्स हैं विच हैव नो ट्रीटमेंट, कि ये क्वेश्चन में अगर दी भी जाएंगे ना तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी आइटम्स हैं जो क्वेश्चन में होंगी। फॉलोइंग आइटम्स हैव नो ट्रीटमेंट, क्वेश्चन में होंगी लेकिन उनका क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उनकी लिस्ट आपको बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली वो लिस्ट है, वो चीज़ें हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में बार बार रिपीट हुई हैं। इनके अलावा भी हो सक कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली मैं वो बता रहा हूँ जो आपके 25 न्यूमेरिकल्स में, किसी ना किसी न्यूमेरिकल में आपको ये फेस करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाए भाई इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स एडवांस में जमा करवा दिया था, उसकी कुछ अमाउंट आपको रिफंड होकर मिल गई, इस पर कोई टैक्स नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ये इनकम है ना इसकी कोई ट्रीटमेंट है। अगर ये किसी क्वेश्चन में गिवन भी होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, आपने कोई कर्ज लिया हुआ था उसकी किस्त अदा की है, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपने कोई सर्टिफिकेट एनकैशमेंट ऑफ
डिपॉजिट सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, NIT यूनिट्स, नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स, कोई सर्टिफिकेट आपने बेचकर उसका कैश हासिल कर लिया है। कैश हासिल करने पर कोई टैक्स नहीं है, बेच देना। एक तो ये ना कि आपने 1 लाख की चीज 1,20,000 में बेच दी, तो एक जो इजाफी 20,000 है ना वो कैपिटल गेन में आएगा। जो इजाफी 20,000 है वो किस में आएगा? 1 लाख जिसपे एन कैश किया है। एन कैश का मतलब जो चीज है ना उसकी उतनी मालियत वसूल कर लेना, बेचकर उतनी मालियत, उस पर कोई टैक्स नहीं, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, जो उस पर मुनाफा होगा ना वो कैपिटल गेन में आएगा। एन कैश का मतलब है कोई चीज आपने देखकर उसका कैश हासिल कर लिया, उस पर कोई टैक्स, उसकी कोई ट्रीटमेंट ना, वो इनकम ही नहीं, वो इनकम ही नहीं है। इसी तरह अगर आपने परचेज किए हैं, परचेज ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, प्राइवेट कंपनी शेयर्स, शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इन पे कोई रायत नहीं। परचेज ऑफ NIT यूनिट्स, परचेज ऑफ प्राइस बॉन्ड्स, इनको खरीद लेना, प्राइस निकलेगा तो प्राइस पे टैक्स होगा। प्राइस बॉन्ड खरीदने पे ना कोई रायत है, ना कोई फायदा है, ना कोई टैक्स है, ना कोई रायत मिलेगी, ना कोई टैक्स लगेगा। खरीदने पर प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, NIT यूनिट्स खरीद लेना, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेना, इन पर कोई, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इन पर मुनाफा मिले तो वो उसकी ट्रीटमेंट है, वो FTR में लिखा जाता है। इसी तरह पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर, कोई जाती मुकदमात थे फैमिली के, उस पर आपने लीगल एक्सपेंडिचर पे किए, अदालतों में पैसे दिए, इसकी कोई रायत नहीं है, आपको मिलेगी, कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, ना टैक्स लगेगा ना टैक्स रिलीफ है। भाई इनकम पर टैक्स लगता है और कुछ खर्चों के बदले में रायत मिलती है, ये ना तो कोई आपकी इनकम है, खर्चा ज़रूर है लेकिन इस पर कोई रायत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एनी फैमिली मेंबर, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलेगी, लेकिन फैमिली मेंबर की लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं उसके बदले में कोई रायत नहीं मिलेगी। अगर आपको याद हो कल ही मैंने भी बताया एवरेज रिलीफ के बारे में, कल बताया था एवरेज रिलीफ, टैक्स में छूट मिल, लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी ने अपनी अदा की है तो उसको उसके बदले में टैक्स में रायत मिलेगी, लेकिन अगर किसी ने अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अदा किया जो कि न्यूमेरिकल में आएगा, उससे इसको कोई रायत नहीं मिलेगी। टैक्स पेयर को उसकी फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस की कोई रायत नहीं मिलेगी। उसके बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने एक्सीडेंट से बच के नुकसान से बचने के लिए उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका आप प्रीमियम अदा करते हैं, इसकी कोई रिलीफ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चैरिटी टू द बैगर्स, मांगने वालों को आप चैरिटी दे देते हैं, चैरिटी टू द बैगर्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मांगने वालों को चैरिटी दे देना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपने बुक्स खरीदी हैं, लिखा होता है ये बुक्स परचेस्ड, कोई रायत नहीं मिलेगी इस पर आपको। ज़कात पे टू द पुअर रिलेटिव्स, इस पर कोई रिलीफ नहीं है, कोई रायत नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। मैंने बताया था ज़कात जो आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाते हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक वाले काट लेते हैं उसके बदले में टैक्स में रायत मिलती है। डोनेशन टू बैतुल माल, बेशक बैतुल माल सरकारी इदारा है लेकिन इसको डोनेशन देने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, ना ये डोनेशन क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 में आती है, ना ये डोनेशन एवरेज रिलीफ में आती है। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल कार और हाउस, जाती घर या जाती गाड़ी बेचने पे नुकसान हो जाता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
अगर आपने सूद दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरी बात सुने जरा ध्यान से, अगर किसी ने कर्ज लिया ना घर बनाने के लिए, घर तामीर करने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए, मेरी बात जरा सुने ध्यान से, अगर किसी ने कोई कर्ज लिया है घर बनाने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए जिस पे उसने घर बनाना है, उस कर्ज का जितना सूद होगा ना, वो आपने पढ़ा है टोटल इनकम में से जो पांच चीज़ें होती हैं उनमें से एक चीज़ वो है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। इसका घर बनाने के लिए, घर की तामीर के लिए जो कर्जा लिया जाता है उस पर जितना सूद देते हैं ना आप, वो आपको इजाज़त है कि आप टोटल इनकम में से माइनस कर लें। लेकिन अगर किसी ने सूद कर्ज लिया और उस पर सूद दे रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट मतलब कर्ज पर सूद दे रहा है, और वो कर्ज उसने किसके लिए लिया है, टेकन फॉर पर्स जाती इस्तेमाल, शादी ब्याह पे खर्च करने के लिए या घर की तजीबो आरइश के लिए, बात समझ रहे, तामीर के लिए नहीं बल्कि उसकी रेनोवेशन के लिए लिया है, फिर उस कर्ज पर जितना सूद होगा उसके बदले में कोई रायत नहीं मिलेगी। घर की तामीर के लिए कर्ज लिया होगा तो वो टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा सूद उसका, लेकिन अगर घर की ताज़ीनो आराइश के लिए लिया तो फिर कोई रायत नहीं मिलेगी। डोनेशन टू प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये वो आइटम्स हैं जो न्यूमेरिकल में होंगी भी लेकिन इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तक आपका 100% फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। आपकी बुक में जो 25 न्यूमेरिकल है ना मौज़म मुगल की बुक में, उन्हीं में से पेपर में एक आना है। उन 25 न्यूमेरिकल में जो कुछ था ना, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करके वो सब चीज़ें फॉर्मेट में लिख कर आपको समझा दी है। आप खुद एफर्ट करने वाले अगर हो ना, खुद मेहनत करने वाले अगर हो, तो इस फॉर्मेट के 24 लेक्चर ये अच्छी तरह प्रिपेयर हों आपके, तो आप आज ही 25 के 25 न्यूमेरिकल में से जो मर्जी कर सकते हैं अगर खुद मेहनत करने वाला बच्चा हो। सिर्फ एक दफ़ा तरीका बताने की, वो कुछ क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है, फॉर्मेट बताने की एक दफ़ा प्रैक्टिकली, ये नहीं मैं कहता कि आज आप करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है कुछ देर मैं समझाऊँगा आपको कुछ न्यूमेरिकल, फिर आपको फॉर्मेट का पता चल जाएगा क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। लेकिन इस फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ, बेसिकली समझाने बात बताने की ये है कि इस फॉर्मेट में सारी इनकम्स जो इन 25 न्यूमेरिकल में हैं उनकी टैक्स ट्रीटमेंट, जितने रिलीफ एंड अलाउंसेज हैं, जितनी रायतें हैं, उनके फार्मूलाज, वो सारे डिटेल से आपको इन वीडियोस में बता दिए, तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप करने वाले हों तो। अब हम इंशाल्लाह प्लानिंग से आगे चलेंगे, हमने अब न्यूमेरिकल करने हैं, 25 न्यूमेरिकल हैं जिनमें से पेपर में न्यूमेरिकल आना है इंशाल्लाह। तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, मैंने पहले भी बताया था फॉर्मेट आता होगा तो न्यूमेरिकल की समझ आनी, वरना न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगी। चलें।